वेलकम टू केडिया कॉमर्स क्लासेस। आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज जो चैप्टर हम देखने वाले हैं और वो चैप्टर का नाम क्या है, हम सब में पहले ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स देख रहे हैं और ट्वेल्थ में चैप्टर नंबर थ्री जिसका नाम क्या है, चैप्टर नंबर थ्री का बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम इसमें देखो चैप्टर नंबर थर्ड तो पढ़ चुके ऑलरेडी, बट उसमें हम ए वाला पोर्शन पढ़ा था और ए भी ऐसे दो पार्ट है। ए पार्ट क्या क्या है बच्चों, ए पार्ट भी देवा है उन्होंने, वो जो ए पार्ट है ए पार्ट क्या क्या है बच्चों, तो ए पार्ट इज डिमांड एनालिसिस हमने देखा था। अब फिर से ये बी वाला पार्ट कौन सा है, तो बी वाला जो पार्ट है बच्चों वो कौन सा है, तो बी वाला जो पार्ट है वो पार्ट है अपने इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है वो हम देखने वाले हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स क्या होते हैं, ये सभी हम देखने वाले हैं। इसके पहले सर फिर हमने क्या देखा बच्चों, इसके पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा। डिमांड किसे कहते हैं, डिमांड के लिए वो तीन चीजें कंडीशन हमने देख ली थी। उसके बाद में उसके डिटरमिनेंट्स फैक्टर देखे थे, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड देखा था, एजम्पशंस देखे थे, लॉ ऑफ डिमांड देखा था। तो ये तो सब हमने देखा था कि भैया डिमांड ये सब चीजें होती है तो डिमांड फॉलो होता है या तो डिमांड देखने को मिलती। लेकिन फिर डिमांड कम ज्यादा होती है तो वो कैसे होती है, वो क्या होती है, वही हम आज चैप्टर नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट बी, इसलिए इसको नाम देवा है बच्चों। अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर थर्ड बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये उसका नाम देवा है। और इसमें क्या देवा है फिर बच्चों, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान दो अपने स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उन्होंने बताया भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है और प्राइस ऑफ टाइप्स, यानी आपको उसने पूछा प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसके प्रकार यानी टाइप्स। तो ये सिंपल में पूछा पहले भैया एक्सप्लेन करो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बाद में क्या टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या क्या प्रकार है वो भी यहाँ पे उन्होंने पूछा। ये क्वेश्चन बच्चों 8 मार्क के लिए मार्च 2014-15, अक्टूबर 2014 और 15 और 2018 में भी ये आके गए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और आपको बता दो इसका वेटेज भी ज्यादा है चैप्टर नंबर थ्री का, तो यहाँ पे आप कोई भी चांसेस नहीं ले सकते हो। तो देखो अब क्या देखते हैं हम, चलो स्टार्ट करते फिर। मीनिंग क्या दिया देखो सबने, जब मैं रीड कर रहा हूँ बच्चों तो ये जरूरी है कि आपने भी आपके स्क्रीन के ऊपर जो वर्ड दे हुए वो मेरे साथ में रीड करना चाहिए तो अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट उसको कोई वीडियो प्ले हो रहा और आप लोग देख रहे हो ऐसे उसको देखो मत, आपको वो स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना है, वो वर्ड देखना है सर ने कौन से वर्ड बताए, क्या वर्ड है, क्या सिलेक्ट किया, कहाँ पे क्या मतलब बता रहे सर, ये सब चीजों की तरफ ध्यान दो क्योंकि इकोनॉमिक्स सुनने में बहुत मजा आता है। अरे वाह सर इसको बोलते क्या ये बोलते, बट जब हम लिखने जाते हैं तो हमें नहीं आता या फिर हमें प्रॉपर वर्ड ही यूज नहीं करते आते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप अच्छे से ध्यान दो वर्ड्स क्या है, वर्ड्स के मीनिंग क्या है, यानी आपको वोकैबुलरी अगर आपकी स्ट्रांग रहेगी तो आप कोई भी टॉपिक आप लिख पाओगे। तो चलो ठीक है मीनिंग क्या बोला वहां पे, अब मीनिंग के लिए इन्होंने सीधा सीधा बताया द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विल चेंज वेन एवर देयर इज अ चेंज इन अ प्राइस। उन्होंने क्या बताया कोई भी प्रोडक्ट की बच्चे जो क्वांटिटी होती है वो चेंज होती है, कब क्वांटिटी चेंज होती है जब उसकी प्राइस चेंज होती है। अभी देखो मार्केट में आप चले गए, आपने पूछा भैया टोमेटो क्या किलो है, सामने वाले बंदे ने बोल दिया 2 रुपए में 1 किलो, आपने व्हाट 2 रुपए में 1 किलो, उसने बोला हाँ भैया 2 रुपए में 1 किलो है, आपने भैया सही में 2 रुपए में 1 किलो, बोले हाँ भैया 2 रुपए में 1 किलो, क्यों बिकॉज इतनी कम प्राइस हो नहीं सकती। फिर से आप नेक्स्ट डे गए आपने पूछा भैया टोमेटो क्या किलो है, सामने वाले बंदे ने बोल दिया भैया टोमेटो 2000 रुपए किलो, आपने व्हाट क्या सुबह से मैं दिखा पागल समझ रहे हो मुझे 2000 रुपए किलो कुछ भी भैया, तो ये भी शॉक कर देगा। तो इसका मतलब है मुझे बताओ जब 2 रुपए किलो था तब आपने 1 किलो लिया, जब 2000 रुपए था तब आपने लिया क्या, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2000 रुपए किलो है टमाटर के रेट भी है क्या। तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो क्वांटिटी है ये टोटली काय के ऊपर डिपेंड करती है, उसके प्राइस के ऊपर। प्राइस अगर ज्यादा है क्वांटिटी हो सकता है परचेस ही ना करें, प्राइस अगर 2 रुपए जैसे 10 रुपए किलो टमाटर शुरू है, अगर टमाटर अभी 10 रुपीज केजी के रेट शुरू है, हाँ 15 रुपए हो गया हम आधा किलो ले लेंगे, भैया 5 रुपए हो गया हम 2 किलो ले लेंगे। यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी है ये कम ज्यादा हो रही है बिकॉज कैसे कम ज्यादा हो रही है, ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। जैसे उसके प्राइजेस में चेंज हो रहा है वैसे क्या हो रहा है बच्चों, उसके क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। अब अगर प्राइस हमारे फेवर में चेंज होती है यानी कम होती है तो बट ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस अगर हमारे फेवर में नहीं सेलर के फेवर में अगर इंक्रीज हो रही है बट ऑब्वियसली हमारी क्वांटिटी हम कम परचेस करेंगे। इसका मतलब यही हुआ क्वांटिटी जो होती है डिमांड की वो टोटली डिपेंड करती है इस वो कमोडिटी के प्राइस के ऊपर, और उसी को क्या बोला उन्होंने देखो आगे Sometimes the demand for a commodity is so sensitive। उन्होंने बताया कुछ कुछ समय पे ऐसा होता है कि जो उसकी डिमांड होती है इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है
कि दैट इवन अ स्मॉल चेंज, अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है क्लाइमेट इन अ प्राइस, प्राइस में अगर चेंज होता है विल ब्रिंग अबाउट अ लार्ज चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड. दैट मीन्स द डिमांड इज इलास्टिक. जनरली डिमांड फॉर अ लग्जरियस गुड्स आर इलास्टिक. फॉर एग्जाम्पल टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोटर कार, ETC. अब देखो यहाँ पे पूरा सेंटेंस समझा. उन्होंने क्या बताया कि समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, जो भी हम डिमांड कर रहे हैं कोई कमोडिटी की, वो कैसी होती है, सो सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है. क्यों सेंसिटिव होती है, दैट इवन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, अगर थोड़ा भी बच्चों उसके प्राइस में चेंज होता है तो देयर इज अ लार्ज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांड. जो हम डिमांड करते हैं वो ज्यादा करते हैं. सर हम डिमांड ज्यादा क्यों करते हैं, बिकॉज बच्चों आप सोच ही रहे थे थोड़ी भी प्राइस कम, आपको तो सिग्नल ही होना था थोड़ी प्राइस कम होगी, आपने एकदम से ले लिया. फिर ये सर डिमांड को क्या बोला जाता है बच्चों, ऐसे टाइप में थोड़ा सा भी अगर सेंसिटिव चेंजेस हुआ बट देयर इज अ लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसको क्या बोला जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. किसको बोला जाता है सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देयर इज अ लिटिल चेंज इन अ प्राइस, थोड़ा सा प्राइस में चेंज होता है बट देयर इज अ लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और ये कौन से प्रोडक्ट के लिए सर होता है ऐसा, सर ये लग्जरियस के लिए होता है. सर लग्जरियस प्रोडक्ट कौन थे, एसी ले लो, कार ले लो, टू व्हीलर ले लो, है ना, बाद में मोटर हो गया, टीवी हो गया, एप्पल का मोबाइल हो गया, लैपटॉप्स हो गए, ये सारे लग्जरियस आइटम में आते. अगर इसके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होता है, देखो ना बच्चों दिवाली दशहरे पे आपको याद होगा तो हमारे घर पर अगर प्लान चलता है कि भैया हम ना अच्छी टू व्हीलर लेने वाले, मोपेड एक्टिवा 5G आई हुई है वो हमें लेना है. चलो ठीक है डिसाइड हो गया एक्टिवा 5G का. पापा ने रेट देखा था अभी जून जुलाई और महीने में कि देखा था, पापा ने रेट देखा था कि पता चला था पापा को, अरे यार इसके तो 78 या 80,000 तक रेट है. ठीक है भैया 80,000 है बेटा, बहुत महंगी अभी नहीं, थोड़ा बहुत दिवाली पे ऑफर आती है तब हम देखेंगे. व्हाट हैपन, दिवाली के टाइम पे पेपर में आ गया भैया ऑफर अच्छी शुरू है, जिसको भी लेना है वो शोरूम वाले ऑफर का स्कीम चला रहे. तो आप गए वहाँ पे, पता चला जो 80,000 की एक्टिवा थी वो 1,000 से लेस हो गई, 1,000 रुपये कम हो गई. तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, या फिर 1,000 का पेट्रोल फ्री में दे रहे हैं वो लोग उसके साथ में, या जो भी होगा. तो इसका मतलब है थोड़ा सा लिटिल चेंज होगा प्राइस में और आपका डिसीजन एकदम से फिक्स होगा, भैया मुझे एक्टिवा लेना है. आपने लोगों को भी बुला रहे अभी ले लो ऑफर अच्छी है, तो लोगों ने भी ऑफर लिया. टीवी हम कितने बार लेते हैं, फ्रिज हम लोग लेते हैं, यानी ऐसे लग्जरियस प्रोडक्ट हम लेते हैं जहाँ पे हमको सिर्फ रीजन चाहिए, थोड़ा सा प्राइस में अगर चेंज हुआ तो देर इज अ कंसिडरेबल या फिर लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्योंकि हम लेने वाले नहीं थे बट अरे चेंज हो रहा प्राइस कम होगी ना, अभी नहीं लेगा तो कब लेगा, चलो ले लेंगे. तो इसका मतलब ये होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसमें क्या हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देर इज अ लिटिल चेंज इन अ प्राइस बट देर इज अ लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रेट, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये काय के लिए होता है, तो ये लग्जरियस प्रोडक्ट के लिए होता है. नेक्स्ट, बट इन केस ऑफ सर्टेन गुड्स, लेकिन कुछ गुड्स के बारे में अलग होता है, वो क्या बोलते हैं देखो. बट इन अ सर्टेन केसेस द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट मे नॉट बी सेंसिटिव, कुछ प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो इतनी सेंसिटिव, इतनी नाजुक नहीं होती है. फिर कैसे होती है, सो दैट इवन अ कंसिडरेबल चेंज, जितना आप सोचते हो उतना भी चेंजेस हुआ इन अ प्राइस मे नॉट लीड टू एनी अप्रिसिएबल चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड, दैट मीन्स द डिमांड इज इन इलास्टिक, दैट इज नॉट अ प्लास्टिक, इन इलास्टिक. ओके, जनरली इसेंशियल कमोडिटीज डिमांड इज इलास्टिक, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, मिल्क, वेजिटेबल, ETC. अब देखो इसका हम फिर से पढ़ते हैं और अच्छे से बता दो क्या बता रहे. बट इन सर्टेन केसेस, भैया कुछ प्रोडक्ट के केसेस में अगर आप देखते हो तो जो डिमांड है फॉर अ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते होंगे, मे नॉट बी सेंसिटिव, उनकी जो डिमांड होती है इतनी सेंसिटिव नहीं होती है. जैसे हमने देखा लग्जरियस प्रोडक्ट की थोड़ा चेंज, ज्यादा परचेस किया. अब ज्यादा बोले तो सर हम टीवी 2 लेके आते हैं, नहीं बेटा टीवी 1 ही आते हैं. बट जो हमारा डिमांड यस और नो में शुरू था तो वो कन्वर्ट हो गया यस में, क्यों, थोड़ा चेंज हुआ हमने ले लिया. फिर हम 10 जनों को और बोलते भैया ऑफर चालू ले ले, फिर वो भी लोग ले लेते. इसका मतलब है देर इज अ लिटिल चेंज इन अ प्राइस, देर इज अ लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, उन्होंने बताया बट इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में ऐसा होता है द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट मे नॉट बी सेंसिटिव, सो दैट इवन अ कंसिडरेबल चेंज, यानी हम जितना चेंज चाहते कि भाई इतनी प्राइस कम हुई तो मैं 2 किलो लूंगा, इतनी प्राइस कम हुई तो मैं इतना लूंगा, तो ये जितना हम सोच रहे हैं कि हमारे हिसाब से भी वो चेंज करने के लिए रेडी हो जाता प्राइस में, बट लेकिन फिर भी उन्होंने बताया मे नॉट बी लीड टू एनी अप्रिसिएबल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, फिर भी हमारी जो क्वांटिटी थी हम वो बढ़ाते नहीं, उतनी की उतनी ही रखते हैं. दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है डिमांड इज इन इलास्टिक, तो वहां पर डिमांड को इन इलास्टिक बोलेंगे, अलौचिक, अलौचिक विच इज नॉट अ फ्लेक्सिबल, विच इज नॉट अ चेंज, विच इज अ कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक. And elastic means which is not constant, which is a flexible, which is a changeable according to its price.
इज दैट क्लियर? तो अब देखो उन्होंने क्या बताया, जनरली इसेंशियल कमोडिटी, जो हमारे भैया इसेंशियल कमोडिटी होती है, जो हमारे डेली लाइफ में हम डेली यूज करते हैं, ऐसे कमोडिटी जो होती है इनकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, चाहे प्राइस हाई हो या प्राइस लो हो। अब कैसे, अभी हम मार्केट गए बच्चों, मार्केट जाने के बाद में हमने क्या देखा, मार्केट जाने के बाद में बच्चों हमने देखा कि हमें पोटैटो लेना था, हमने पोटैटो देखे। अभी इंदौर के बच्चों नए आलू आए हुए, पता है कि आपको इंदौरी आलू आए हुए चिप्स के लिए अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग परचेस करते हैं, और इसलिए अभी के आलू के देखो 50 रुपये तक गए थे, आप नवंबर में देखो 50 रुपीज़ तक आलू गया था, बाद में अगर आप दिवाली के टाइम पे देखते हो 60 रुपीज़ गया था, अभी सीधे रेट 20 पे आ गए, और आई थिंक अभी तो 50 रुपीज़ भी हो गए, 15 रुपये तक आलू होंगे, अच्छे नए आलू आए हुए हैं मार्केट में। तो क्या होता है, अभी हम पहले से सोच रहे थे 20 रुपये किलो आलू है ना, तो हमें क्या चिप्स के लिए आलू चाहिए। अब हमें आलू कितने बोला मम्मी ने, 10 किलो आलू लाने को बोला बेटा, 10 किलो आलू लेके आ। हम गए मार्केट में, पोटैटो देखे हमने, पोटैटो देखे रेट वगैरह देख लिया, सामने वाले 20 रुपीज़ बोला, हमें 10 किलो चाहिए थे, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है डिपेंड ऑन इट्स प्राइस, प्राइस पर डिपेंड है। अब हमने उसको बोला भैया थोड़ा सा कम कर दे, वो बोलता है ठीक है एक काम करो आप सर 15 रुपये के हिसाब से दे दो। हमें लगा ही था उसने पहले 18 बोला, हमें चाहिए था 15 के हिसाब से, क्योंकि मम्मा ने पैसे 15 के हिसाब से दे हुए थे, 15 रुपीज़ के हिसाब से। उसने हमारे जो प्राइस हम जो कंसीडर लेके चल रहे थे कि भैया 15 रुपये रहेंगे तो हम लेंगे 10 किलो, वो प्राइस में देने को तैयार है, बट फिर भी जब हम वो आलू परचेस करने गए हमें ऐसा लगा ये आलू अच्छा है क्या, बिकॉज नए आलू पे जो उसकी कवर होती है वो थोड़ी लाइट होती है, ऐसी निकली हुई होती है। तो हमने जब वो देखा तब हम सोच में गिर गए कि यार ये आलू लूया नहीं, यार खराब तो नहीं है यार, मम्मी कल्ला तो नहीं करेंगी, कैसे आलू यार, और ये एकदम से 15 में कैसे क्या देने लग गया, शायद इसके आलू खराब हो गए। फिर हम क्या करते हैं, जितना उसने कंसिडरेबल प्राइस में चेंज किया वो हिसाब से हमने तो क्वांटिटी 10 किलो भी देखा, 15 किलो लेना चाहिए था, बट हम वहाँ से सिर्फ 2 ही किलो लेते हैं, क्यों, हम सोचते नहीं भैया दूसरी तरफ से लेंगे शायद इसके आलू खराब है, या फिर मम्मी को पहले सैंपल दिखाएंगे फिर नेक्स्ट डे आके लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जितना हम कंसिडरेबल चेंज कर रहे थे, कभी कभी कुछ लोग है ना दे देते वो भाव में जो हम मानते हैं, बट फिर भी हमें डाउट आता है लू कि नहीं, फिर आप बोलते हैं ठीक है भैया नहीं नहीं मैं देखता हूँ भैया मम्मी को पूछ के आता हूँ या घर पे पूछता हूँ या भैया रुको मैं शायद घर पे फोन लगा, हम ऐसे कुछ रीजंस बनाते हैं। तो उस वो टाइम पे जो डिमांड होती है उसको इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं, क्योंकि आपके भाव में सामने वाला देने को रेडी था बट फिर भी आप ज्यादा क्वांटिटी नहीं ले रहे हो, एक तो उतनी क्वांटिटी ले रहे आप जितनी लगती है या थोड़ी सी क्वांटिटी आपने बढ़ा दी, तो उसको बोला जाता है इनइलास्टिक डिमांड। नॉर्मली फिर से कौन से प्रोडक्ट के लिए हैपन होता है, तो बच्चों वेजिटेबल्स, बिकॉज वेजिटेबल ये ड्यूरेबल नहीं होते हैं, समार कितना भी सस्ता सामने वाला अगर 20 रुपये किलो समार कोरिएंडर बोलता होगा वो 5 रुपये किलो में देने को रेडी है, लेकिन उसकी कंडीशन भैया 10 किलो ले तो 5 रुपये किलो लगा था, तो कहाँ से 10 किलो लोगे आप समार का, क्या अचार डालोगे ना, समार कितने जगह समार यूज कर, ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ्रिज में भी आपने अच्छे से रखा तो 4 से 5 दिन के ऊपर वो समार अच्छा नहीं रहेगा, पीले पत्ते हो जाएंगे सब, समार जो है पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब वो ड्यूरेबल नहीं है, इसलिए हम लिमिटेड लेंगे। सॉल्ट हो गया, सॉल्ट कितना भी सस्ता हो या महंगा हो जितना चाहिए उतना यूज करेंगे। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, चाहे मिल्क हो, मिल्क भी अगर कितना भी महंगा मिला तो भी हमें 1 लीटर लगता है हम 1 लीटर लेंगे, अगर सस्ता होगा तो 1 लीटर की जगह 1.5 लीटर लेंगे और उससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो इसका मतलब होता है जो नेसेसरी प्रोडक्ट होते हैं बच्चों इसकी डिमांड हम उतनी ही करते हैं जितने हमें डेली यूज के लिए नेसेसरी है, फिर हमारे हिसाब से भी सामने वाला प्राइस देने के लिए रेडी हो गया फिर भी हम उसकी डिमांड ज्यादा नहीं करते। तो यहाँ पे जो डिमांड होती है वो कैसी रहती है, इनइलास्टिक होती है, वो कम ज्यादा नहीं होती, विच इज अ कॉन्स्टेंट, फिर प्राइस डिक्रीज हो यानी कम हो जाए या फिर इंक्रीज हो जाए या फिर फॉल हो प्राइस में या फिर कुछ भी हो, हमारी डिमांड कॉन्स्टेंट ही रहेंगी, हमारी डिमांड में थोड़ा सा चेंज हो सकता बट ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकता, और उसी को इनइलास्टिक डिमांड कहा जाता है, जिसको हम फिक्स डिमांड भी बोल सकते हैं। अब डेफिनेशन देखो यहाँ पे बच्चों आगे फिर से आपके चहेते कौन है, इकोनॉमिक्स मार्शल, क्या बोलते हैं भैया ये मार्शल, मार्शल बोलते हैं, इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर मार्शल। देखो बच्चों बहुत महान इंसान था, इन्होंने बहुत सारे चीज़ों पे रिसर्च किया, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन किया, कुछ चीज़ों को प्रपोंडेट किया और लोगों के सामने बताया कि भैया इकोनॉमिक्स ये होता है इकोनॉमिक्स वो होता है, और उनमें से उन्होंने एक चीज़ बताई थी ये जो था अभी लास्ट ऑफ डिमांड, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, और इसीलिए उनका नाम हर जगह जहाँ पे भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे चाहे 11th हो 12th हो एमकॉम एमबीए जहाँ पे भी इकोनॉमिक्स आएगा प्रोफेसर मार्शल से आपको रूबरू होना ही पड़ेगा, बिकॉज वो एक बहुत टैलेंटेड इंसान थे जिन्होंने बहुत सारे डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखे रिसर्च किए, और आज भी दुनिया उनके रिसर्च पढ़ रही है और उसको इस्तेमाल करती है। तो चलो कम टू द पॉइंट, देखते हैं इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर मार्शल क्या कहना चाहते हैं, और प्रोफेसर मार्शल ये कहना चाहते हैं द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल,
उन्होंने बताया भैया जो हमारी डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये एक तो ज्यादा हो सकती है, थोड़ी सी कम हो सकती है, इज ग्रेट और स्मॉल, इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग एज द क्वांटिटी डिमांडेड। हम कितनी क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे तो उसके हिसाब से ये ज्यादा भी हो सकती है, उन्होंने बोला, या कम भी हो सकती है। क्या ज्यादा कम हो सकती है? तो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो कम ज्यादा हो सकती है। वो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज मच, तो ज्यादा बढ़ जाएंगी, या लिटिल मच, थोड़ी सी कम बढ़ेगी, लेकिन कब बढ़ेंगी? फॉर गिवन फॉल इन द प्राइस, जब हमारी प्राइस जो है बच्चों वो कम होंगी तब। यानी उन्होंने क्लियर बता दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांगने की जो लवचिकता है मार्केट, मार्केट में अगर आप देखते हो हमारी जो मांगने की लवचिकता है इज ग्रेट, या ज्यादा हो सकती है, स्मॉल हो सकती है। क्या क्या स्मॉल ज्यादा हो सकती है? हमारी डिमांड जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, काय के हिसाब से हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज भी हो सकती है, थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है, इज डिपेंड ऑन इट्स प्राइस। ये काय के ऊपर डिपेंड करता है? उसके प्राइस के ऊपर, प्राइस हाई डिमांड लो, प्राइस लो डिमांड हाई, तो हमारी जो क्वांटिटी है उसके प्राइस पे बच्चों डिपेंड करती है, ऐसा उन्होंने बताया। एंड डिमिनिशेस मच और रिलेटिव, या फिर हमारी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, ये कम होगी या थोड़ी सी कम होगी फॉर अ गिवन राइज इन द प्राइस, अगर प्राइस बढ़ती है तो। इज दैट क्लियर? यानी उन्होंने दोनों कंडीशन बता दिया, भैया हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है ये ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, कब हो सकती है? जब प्राइस कम होगी। ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ से अगर हम देखते हैं तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है एकदम कम हो जाएंगी, डिमिनिशेस, या लिटिल डिमिनिशेस, या थोड़ी सी कम होगी, कब? जब अगर प्राइस बढ़ रही है तो। तो इसी को उन्होंने बताया, भैया ये जो हमारी डिमांड कम ज्यादा हो रही है इसका मतलब बदल हो रहा है, और जहां पे चेंज हो रहा है, बदल हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसा किसने बताया? प्रोफेसर मार्शल ने। अब अकॉर्डिंग टू जो दूसरे हमारे मानुभवन थे वो है प्रोफेसर, कौन है? पी ए सैमुएलसन। और पी ए सैमुएलसन क्या बोलते हैं देखो, इनकी नई डेफिनेशन आई बच्चों, अभी तक ये डेफिनेशन किसी को नहीं थी, अब ये नया आया, इन्होंने बताया। और ये क्या बताते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी इज अ कंसेप्ट, इन्होंने बताया भैया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये कंसेप्ट, एक संकल्पना है फॉर अ मेजरिंग, जिसमें हम कौन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं? हाउ मच यानी कितने पैमाने पे, द क्वांटिटी डिमांडेड यानी हम जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, परचेस कर रहे हो, कितने पैमाने पे करते हैं, इज रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, यानी उसकी प्राइसेस में क्या हिसाब से चेंजेस होते हैं, वो हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको परचेस करेंगे। प्राइस बढ़ गई, परचेस कम, प्राइस अगर कम हो गई, परचेस ज्यादा। तो उन्होंने वही बताया, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन दी बच्चों इन्होंने, प्राइस इलास्टिसिटी इज अ कंसेप्ट, भैया उन्होंने बताया प्राइस इलास्टिसिटी एक कंसेप्ट है, काय की कंसेप्ट है? फॉर मेजरिंग, जिसमें हम कौन कर सकते हैं, क्या कौन कर सकते हैं सर? हाउ मच यानी कितने पैमाने पे द क्वांटिटी डिमांड इज रिस्पॉन्स टू द प्राइस, यानी चेंज इन प्राइस, कि भैया प्राइस में कितने हिसाब से चेंजेस हो रहा है, वो हिसाब से अगर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है, और इसको अगर हम मेजर कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज दैट क्लियर? या तो किसी को भी प्रॉब्लम का तो देखो, नहीं तो आगे का देखते हैं। उन्होंने आगे सीधा सीधा बताया, इट इज क्लियर, वो बोलते भैया ये क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है? इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म्स, ये एक टेक्निकल टर्म्स है, जो हम टेक्निकली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, पता कर सकते हैं। लेकिन कैसे टर्म्स है? विद डिस्क्राइब, जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है सर ये? द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड, कि हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितने रिस्पॉन्स में चेंज हो रहा, और ये रिस्पॉन्स काय के साथ में है बच्चों? तो उन्हें बता, टू अ फॉल और अ राइज इन इट्स प्राइस, कि भैया प्राइस कितनी कम हो रही है या प्राइस कितनी बढ़ रही है, इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो हिसाब से उसका रिस्पॉन्स किसको मिलेगा? क्वांटिटी डिमांड पे। समझा क्या? आगे देखो उन्होंने क्या, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं कि कितने परसेंटेज में प्राइजेस में चेंज होंगे, उतने ही परसेंटेज में डिमांड में चेंज होगा। अगर प्राइस कम ज्यादा हो रही है, बट ऑब्वियसली डिमांड भी कम ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? तो यहां तक हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, फटाफट पूछो, फटाफट बताता हूँ मैं। चलो, इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क मी नाउ। बताओ यार जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके ओके, चलते फिर आगे। चलो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग लेते हैं फिर आगे का क्वेश्चन कौन सा है सर? तो आगे का क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि भैया एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, ये क्वेश्चन है आगे का। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये 8 मार्क के लिए आपको आता है। कितने मार्क के लिए आता है ये क्वेश्चन?
आठ मार्क के लिए बच्चों ये क्वेश्चन आता है, और उन्होंने क्या बताया, आठ मार्क के लिए मार्च 2016 में क्वेश्चन आके गया था। फिर सर ये क्या बोलना चाह रहे, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्रकार बताओ हमें। कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो समझ में आ गया कि मांगने की लवचिकता होती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिमांड में, क्वांटिटी जो डिमांड होती है इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, यानी कम ज्यादा करते हैं, चेंज करते हैं, बट कौन कौन से कारण से करते हैं, कौन से रीजन से जब हम इसमें चेंजेस करते हैं। तो उन्होंने बताया देयर आर थ्री काइंड्स, थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांगने की जो लवचिकता है या मांगने जो क्वांटिटी डिमांड है जो कम ज्यादा हो रही है, उसके तीन रीजन, तीन टाइप्स है, और वो काइंड्स ऑफ टाइप जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वो नीचे दिए हुए जो हम लेने वाले हैं वन बाय वन। पहला दिया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहला कौन सा है बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेरे साथ बोला करो आप, है ना, कि पहला कौन सा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी टू द गिवन प्रोपोर्शनल चेंज इन इट्स प्राइस। देखो वही ऊपर का फॉर्मूला फिर से उन्होंने बता दिया कि भैया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कीमत लवचिकता मांगनी, इसको बोलते हैं कीमत लवचिकता मांगनी, यानी कीमत की वजह से, यानी प्राइस की वजह से अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से हमारी जो क्वांटिटी डिमांड कम ज्यादा हो रही है उसको बोलेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो क्या बोलता है, इज अ रेशियो, ये एक रेशियो है, परसेंटेज है बोलता, प्रोपोर्शनलिटी प्रमाण है, क्या प्रमाण है ये, तो इन क्वांटिटी डिमांड पे, जो हमारी क्वांटिटी डिमांड पे क्या करता है, चेंज करवाता है, कैसे चेंज करवाता है, ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन प्रोपोर्शनल चेंज इन इट्स प्राइस, यानी जो कमोडिटी होगी उसके प्राइस में कितने पैमाने पे, कितने परसेंटेज में, कितने रेशियो में चेंजेस होता है, सेम रेशियो सेम परसेंटेज में अगर क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता होगा तो दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अदर फैक्टर रिमेन द सेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, उसमें देवा नहीं है वो, मैं बता रहा हूं आपको कि बाकी फैक्टर सेम होना चाहिए। अब दूसरे लाइन में देवा है जो बाकी फैक्टर क्या है, देखो दस, इसलिए उन्होंने बताया क्या बताया, प्राइस इलास्टिसिटी इज अ रिस्पॉन्स टू चेंज डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑन द अदर फैक्टर सच एज इनकम पॉपुलेशन टेस्ट हैबिट फैशन आर द रिमेन द सेम। उन्होंने बताया भैया हमने जो देखा था लास्ट लेक्चर में, क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कोई बताएगा, हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड, देखा था फैक्टर डिटरमिनेंट्स ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, फिर कौन कौन से फैक्टर थे भैया, इनकम एक जैसी होना चाहिए, नो चेंज, वो एजम्पशन भी थे और वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, नो चेंज लगा दिया तो एजम्पशन और नो चेंज हटा दिया तो फैक्टर डिटरमिनेंट्स, तो उसमें हमने बताया था सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की कीमत सेम होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट एक जैसी होना चाहिए, नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होना चाहिए, टैक्सेशन पॉलिसी सेम होना चाहिए, वेदर कंडीशन एक जैसी होना चाहिए, जो कंज्यूमर्स है उसकी टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस बदलना नहीं चाहिए, और ये सब एक जैसा होता है तब काफी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। और वो ये बोल रहे हैं कि भैया प्राइस में चेंजेस होना चाहिए, प्राइस अगर कम ज्यादा हो रही है, प्राइस में अगर चेंजेस हो रहे हैं बट अदर फैक्टर रिमेन द सेम, यानी इनकी डेफिनेशन हम बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, अदर थिंग बीइंग इक्वल एक्सेप्ट प्राइस, अदर थिंग बीइंग इक्वल एक्सेप्ट प्राइस, व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ प्राइस देयर इज अ चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड, ऑन द अदर हैंड व्हेन देयर इज अ फॉल इन अ प्राइस देयर इज अ, अगर कीमत कम होती है देयर इज अ इंक्रीज इन अ और अ लिटिल मच इन अ क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी आप क्लियर बोल सकते हो भैया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको इलास्टिसिटी डिमांड कहाँ देखने को मिलेंगी, क्वांटिटी में, और कैसे मिलेंगी, जब प्राइस में बदल होता है तो, अगर उसकी क्वांटिटी में बदल हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बाकी फैक्टर में कोई बदल नहीं हो रहा, बाकी फैक्टर एज इट इज है। तो चलो आगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का उन्होंने यहाँ पे क्या दिया, इक्वेशन दिया, और इक्वेशन क्या बोलता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। उन्होंने बताया भैया अगर कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस बदलती है तो वो हिसाब से उसकी क्वांटिटी कितनी बदलती है, तो उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इक्वेशन। और वो इक्वेशन उन्होंने दिया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हमेशा ध्यान में रखना डिमांड ऊपर रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, उसकी प्राइस जो भी वो क्वांटिटी होगी, कमोडिटी होगी, उसकी जो प्राइस है उसमें बदल होता है, तो वो कमोडिटी के क्वांटिटी में बदल होता है, उसी को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब इसके रिजल्ट क्यों आते हैं, अगर आप ये इक्वेशन लिखते हो बच्चों, यानी आपने लिख दिया भैया 100 किलो क्वांटिटी परचेस की, कब परचेस की, इतनी प्राइस थी, और उसको अगर आप डिवाइडेड करते हो ओरिजिनल प्राइस ध्यान में रख के, तो फिर आपको इसमें अलग अलग टाइप में आंसर मिलेंगे, और वो आंसर कैसे मिलेंगे देखो, जो नीचे की लाइन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी हैव फाइव वैल्यूज, तो पांच वैल्यूज में आपको आंसर मिलेगा, एक तो इन्फिनिट, दूसरा जीरो, तीसरा यूनिटी, यूनिटी भी होना, वहाँ पे यूनिट भी बोल सकते हैं आप, ग्रेटर देन वन एक से ज़्यादा, और लेस देन वन एक से कम,
ऐसे 5 टाइप में आंसर मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर ये आंसर के मतलब क्या होते हैं, तो बच्चों इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसके भी कुछ काइंड हम देखेंगे, तब वो एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, तब तक के लिए उसको वही समझो, बाद में आगे और समझेंगे डिटेल में। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, अभी आप क्या देख रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के काइंड कौन से, प्रकार कौन से, टाइप्स कौन से, उसमें पहला आपने देखा प्राइस, अब दूसरा कौन सा है, इनकम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर फिर ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, तो देखो बच्चों कभी कभी ये भी 3 मार्क के लिए पूछा था उसने, हाँ मार्च 2015 और अक्टूबर 2016, यानी कुछ भी पूछ सकते हैं आपको उठा के, ऐसा नहीं है कि सर ये क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं, उनके मन के हिसाब से वो कोई भी क्वेश्चन में का कोई भी एक पार्ट उठा देंगे, 2 मार्क के लिए पूछेंगे, वो बोलेंगे बड़ा एक्सप्लेन कर, फिर आप बोलेंगे सर ये तो क्वेश्चन था ही नहीं, बेटा ये सब क्वेश्चन था, देखो आप अच्छे से, ओके, जो नोट्स पढ़ रहे हैं हम, जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, इसमें का कोई भी टॉपिक उठा के वो क्या कर सकता है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए हर टॉपिक हर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार उसको देखो, बार बार समझने की कोशिश करो, ओके। आगे देखो, अब क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड टू अस चेंजेस इन अ इनकम ओनली, इनकम ओनली, इसके पहले क्या था, प्राइस था, अभी क्या बोलता है, इनकम, इनकम का मतलब क्या हुआ, प्राइस सेम है, प्राइस सेम है, एडवर्टाइज सेम है, कस्टमर टेस्ट हैबिट सेम है, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी सेम है, फिर टाइम में बदल हुआ, सर हमारे जो वॉलेट में जो इनकम आती है, जो पैसा आता है ना इसमें, ये जो पैसा आता है इसमें बदल हुआ, हमारी जो इनकम है उसमें चेंज हुआ, उसमें चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा, तो उसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, देखो अदर फैक्टर इंक्लूडिंग प्राइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार यहाँ पे, कि बाकी सारे फैक्टर और सब में इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है प्राइस, वो भी सेम की सेम है, उसमें भी कोई बदल हुआ नहीं है, और अदर फैक्टर इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन सेम अनचेंज, वो भी अनचेंज है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आ रहा। कैसे, अब उन्होंने बताया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कितने रिस्पॉन्स में आप क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं ये काफी डिपेंड करता है, तो चेंज इन इनकम ओनली, हमारी इनकम कैसे बदलती है। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं ए नाम का बंदा हूँ, मेरा नाम है, मैं ए नाम का बंदा हूँ, मैं कहीं पे जॉब करता हूँ, वहाँ पे मुझे 10,000 रुपये पेमेंट है, कितना पेमेंट है बच्चों, 10,000 रुपये। अब 10,000 में मैं मेरा घर खर्चा कैसे तो भी चलाता हूँ, कैसे तो भी परचेस करता हूँ, नेसेसरी प्रोडक्ट लेता हूँ, क्योंकि 10,000 में तो घर चलता ही नहीं है। बट अब क्या हो गया, मेरा ओनर इतना खुश हो गया, मेरे बॉस खुश हो गए, और मेरा बॉस क्या बोलता है, सर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं आपको 20,000 रुपीज पेमेंट कर देते हैं। अब मेरा यार पेमेंट बढ़ गया यार, 20,000 रुपये मिलने लग गया मुझे। अब अगर मुझे 20,000 रुपये पेमेंट मिलने लग गए, मेरे पास 10,000 से पहले 10,000 रुपये मिलते थे, अब 20,000 आप मेरी इनकम बढ़ गई, तो बट ऑब्वियसली खर्चा बढ़ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे आधा किलो लेता था अब 1 किलो लूंगा, क्यों, फिर प्राइस कम हुई क्या, वहाँ पे प्राइस वही थी, जहाँ पे टोमेटो में पहले हाफ के जी यानी आधा किलो लेता था, 500 ग्राम्स लेता था, अब मैं वही 10 रुपये में 1 किलो पूरे टमाटर लूंगा, क्यों, बिकॉज माई इनकम इंक्रीज। फिर प्राइस कम हुई क्या, उसने 10 रुपये वाले किलो वाले 8 रुपये किलो दे रहा क्या, 5 रुपये किलो दे रहा क्या, नहीं, प्राइस सेम है। ड्यू टू चेंज इन इनकम, मेरी इनकम बदल गई, इनकम बदलने की वजह से जो मैं 3,000 वाला मोबाइल ले रहा था, अपना 8,000 रुपये वाला मोबाइल लूंगा, क्यों भैया इनकम बढ़ गई। तो इसका मतलब है इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से प्राइस वो क्वांटिटी की, सॉरी प्राइस वो कमोडिटी की सेम रहने के बावजूद भी हम क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी परचेस करेंगे ज्यादा, तो फिर वहां पे प्राइस कम नहीं हुई, बिकॉज हमारा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अदर थिंग इक्वल व्हेन प्राइस इज लो डिमांड इज हाई, बट यहाँ पे प्राइस सेम है बट फिर भी हमारी डिमांड हाई हो रही है, व्हाई, बिकॉज इनकम बदल गई, और इसीलिए यहाँ पे फिर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्यों इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन इनकम इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांड। और अगर इनकम कम होती है, अब 10 से कम क्या होगी रे, बट ठीक है, उन्होंने बोल दिया भैया 5,000 नहीं तो जॉब नहीं करना, कोरोना चालू है, एक तो जॉब ही नहीं लोगों को, आपको जॉब होना तो 50% पेमेंट मिलेगा, अब 5,000 में यार मेरे जैसा खाएंगा क्या पिएंगा क्या, है ना, बट चलो ठीक है यार, फिर आधा किलो भी नहीं, अब तो 1 पाव पे आ गया मैं, फिर उसने रेट बढ़ाया क्या, नहीं। तो इसका मतलब यही हुआ बच्चों कि अगर हमारी इनकम कम ज़्यादा होती है तो रेट हमारे जो क्वांटिटी डिमांड होती है हमारी वो कम ज़्यादा होती है, इज दैट क्लियर। चलो आगे, फिर सर इसका इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। एक तो ध्यान में रखना है बच्चों, हमेशा डिमांड जो है वो ऊपर ही रहना चाहिए, चाहे प्राइस हो या इनकम हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उसका जो परसेंटेज है वो वैसा ही होना चाहिए, उसमें चेंज होना चाहिए, कब चेंज होना चाहिए, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, उसका जो भी इनकम है उसमें कितना चेंज हो रहा है वो हिसाब से उसके परसेंटेज में चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडेड।
इनकम कम ज्यादा होगी सेम परसेंटेज में डिमांड कम ज्यादा होगी. इज दैट क्लियर? आगे देखो. वेयर एज इन केस ऑफ इंफीरियर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव. अगर क्या बोला उन्होंने, वेयर एज इन केस ऑफ द इंफीरियर इनकम, जो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं बच्चों, वहां पे इंफीरियर गुड्स करना है आपको, थोड़ा सा करेक्शन करना है नोट्स में. वेयर इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स के मामले में क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, वहां पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है. अब आप बोलेंगे सर कैसे, इंफीरियर गुड्स हमने देखे थे ना, मैच बॉक्स हो गया, ब्रेड हो गया, इसकी प्राइस चाहे कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, या हमारी इनकम कम ज्यादा हो जाए, हम जितना लेना उतना ही लेते हैं. अब एक रुपए की माचिस आती है, उसके लिए क्या मुकेश अंबानी की जितनी इनकम चाहिए क्या? नॉर्मल भी इनकम रही तो भी एक रुपए की माचिस हम लेंगे, है ना? और एकदम ज्यादा भी हुई तो एक रुपए की एक ही माचिस लेंगे हम, 10-12 माचिस लेके चालू हो जाएगा क्या, इधर आग लगा उधर आग लगा, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना? तो कम टू द पॉइंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी जीरो. अब ये देखो बच्चों, इसके भी कुछ आंसर आते हैं जिसमें से पहला दिया उन्होंने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी जीरो. एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो सकती है, इनकम बड़े कम हो डिमांड जैसी की वैसी. वन, थोड़ी एक से ज्यादा भी हो सकती है, ग्रेटर देन वन, एक से ज्यादा एंड लेस देन वन, या एक से कम भी हो सकती है. अब नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस यहाँ पे प्राइस भी नहीं है, इनकम भी नहीं है, वो हमने देख लिया. अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, चलो देखते हैं. ये भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था अक्टूबर 2017 में. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फाउंड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड नॉन रिलेटेड गुड्स. उन्होंने बताया भैया, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको सब्स्टिट्यूट गुड जिसमें आप बोल सकते हैं चाय और कॉफी, टी एंड कॉफी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड जिसमें आप बोल सकते हैं कार एंड पेट्रोल, और नॉन रिलेटेड गुड जिसमें आप कोई भी आइटम ले सकते हो, जैसा कंप्यूटर हो गया और पेन हो गया, इसका दोनों का कोई रिलेशन नहीं आता. ट्यूबलाइट हो गया और टाइल्स हो गए, इसका कोई रिलेशन नहीं आता. मोबाइल हो गया, फैन हो गया, इसका कोई रिलेशन नहीं आता एक के साथ में. तो नॉट रिलेटेड गुड्स यानी पोटैटो हो गया और चेयर हो गई, इसका क्या रोल आया दोनों का एक के साथ में? नहीं. तो ऐसे कोई भी गुड्स हो सकते हैं जहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने को मिलती है. अब कैसे देखते हैं, देखो उन्होंने बताया इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि भैया सब्स्टिट्यूट गुड्स है उनके केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स, अगर एक गुड्स की प्राइस बदलती है तो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर गुड्स. तो उन्होंने बताया भैया दूसरे के डिमांड पे इफेक्ट होता है. कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइजेस ऑफ टी राइजेस, अगर चाय की कीमत बढ़ती है, द डिमांड फॉर अ कॉफी विल राइज. तो हम क्या करेंगे, कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे. अब हम बढ़ा रहे इसलिए क्या, क्योंकि कॉफी वाले ने प्राइस कम किया? नहीं. दोनों बच्चों 500 रुपीज के जी पकड़ के चलो, चाय भी 500 रुपए किलो, कॉफी भी 500 रुपए किलो. चाय वाले ने क्या कर दिया, रेड लेबल वाले ने टी कर दिया उसकी 800 रुपीज के जी, 800 रुपए, 300 रुपए से बढ़ा दिया. और जो नेस कॉफी था, नेस कॉफी वाले का 500 ही रेट है, उसने ना बढ़ाया ना कम किया, जितने का उतना रहा. तो कुछ लोग जो चाय की तरफ जाते थे, रेड लेबल टी कंज्यूम करते थे, अब वो कहाँ जाएंगे, वो कॉफी की तरफ जा रहे हैं. यानी इसका मतलब हुआ किसी एक प्रोडक्ट के प्राइजेस में बदल होने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की अगर डिमांड में बदल होता है तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब जैसा आप, अब ये हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल लेते हैं सर हम. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी अगर पेट्रोल के रेट डे बाय डे बढ़ रहे हो तो बढ़ी रहे, आप भी देख रहे हैं, अपने 100 को क्रॉस होने को टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से. तो जैसा 1 फरवरी में बजट आ जाएगा, उसके बाद में शायद से पेट्रोल 100 रुपीज तक चल जाएगा. तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल ने रखा, 32 रुपए, 40, 100, 70, 80, 90, अब 100 रुपए पे आ गया यार. तो इसका मतलब हुआ फिर, अब हमारे घर वाले सोच रहे थे भैया टू व्हीलर अच्छी वाली, 2 टू व्हीलर होना घर पे, अभी एक सी काम चल रहा, नहीं दूसरी भी लेते. लेकिन क्या हुआ, पेट्रोल के रेट बढ़ने लग गए, पेट्रोल के रेट बढ़ गए. आज ही आ गया, डिक्लेयर हुआ भैया पेट्रोल के रेट 2.25 रुपए से इंक्रीज हो गया, 93 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया. अरे बाप रे, अब 93 रुपए और डे बाय डे, और पेपर में आ गया कि भैया अब हो सकता है एक आध महीने में 100 का आंकड़ा हम छू लेंगे पेट्रोल में. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर हमारे पापा सोचते नहीं यार इतना पेट्रोल लगेगा, पेट्रोल के भी रेट बढ़ रहे हैं, फिर बच्चे गाड़ी ज्यादा, पापा बोलते नहीं लेना अपने को टू व्हीलर, अभी देखेंगे बाद में. तो टू व्हीलर के रेट बढ़े क्या? नहीं. रेट किसके बढ़े? पेट्रोल के. तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा, पेट्रोल के रेट बढ़ने के वजह से टू व्हीलर की डिमांड हमने कम कर दी. तो इसका मतलब हुआ, इसका इफेक्ट, इस पेट्रोल का इफेक्ट किसके ऊपर हुआ? कार के ऊपर हुआ, टू व्हीलर्स के ऊपर हुआ, जो भी पेट्रोल से चलने वाले टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स है, ये सभी के ऊपर उसका इफेक्ट हुआ. और उनकी जो डिमांड बढ़ने वाली थी, बढ़ना तो छोड़ो वो कम हो गई. तो इसका मतलब हुआ, कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो या सब्स्टिट्यूट गुड्स हो, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, वहां पे डिमांड इफेक्ट करवाता है ड्यू टू वन प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने की वजह से. दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड चाहे बढ़ती होंगी या कम होती होंगी, तो उसको बोले जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड.
एग्जाम्पल है, उन्होंने इक्वेशन क्या दिया, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, उन्होंने बताया प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ए, यानी कमोडिटी ए का प्रोपोर्शनेट यानी कितनी क्वांटिटी हम डिमांड करेंगे ये डिपेंड करता है, उन्होंने बोला प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बी, यानी बी की अगर प्राइस बढ़ती है तो हम ए के तरफ जाएंगे वो क्वांटिटी परचेस करेंगे, जैसे अगर कॉफी टी की रेट बढ़ गए तो हम कॉफी परचेस करेंगे, ए को कॉफी बोल दिया और बी को चाय बोल दिया, समझा क्या। बाद में बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट दे हुआ हमारा इलास्टिसिटी ऑफ, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब भी हमने देखा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये क्वेश्चन अभी हम ले लेते हैं क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब भी देखा था तो इसलिए ये आपको समझने में आसान जाएगा। ये देखो अभी हमने यहाँ पे देखा था टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पहला देखा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बराबर है ना। तो पहला जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा वो हिसाब से अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्रकार देखने वाले, यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया बच्चों ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि भैया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्रकार कौन कौन से। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन देखा, सेकंड वाला काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसमें तीन टाइप्स थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं आप लोगों में, इसलिए बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो पूछता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और बच्चे वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्रकार लिख के आ जाते हैं, तो वो मिस्टेक आपसे नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ अच्छे से ध्यान दो, क्वेश्चन कौन सा पूछा उसने वो हिसाब से आंसर लिखना। उसने अगर पूछा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फर्स्ट इज प्राइस, सेकंड इज इनकम एंड थर्ड इज अ क्रॉस। अगर वो पूछता है एक्सप्लेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स काइंड्स, कि भैया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और उसके प्रकार कौन से है, तो वो टाइम पे आपको ये क्वेश्चन को रेफर करना है। फिर ये क्वेश्चन कौन सा है, व्हेन द प्राइस चेंज द डिमांड आल्सो चेंज, जब वो बोलता है भैया प्राइस बदलती है तो डिमांड भी बदलती है, फिर चाहे वो कम हो ज्यादा हो डिमांड भी कम ज्यादा होती है, बट द चेंज इन द प्राइस हैज नॉट द सेम इफेक्ट ऑन द डिमांड। लेकिन जरूरी नहीं है बच्चों कि जितना चेंजेस प्राइस में हो रहा है वही हिसाब से डिमांड में भी उतना चेंजेस होता है, कभी कभी प्राइस एकदम से बढ़ती है तो डिमांड एकदम से कम नहीं होती, थोड़ी सी कम होती है, कभी कभी प्राइस एकदम से नीचे आ जाती है। जैसे अभी आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता है, पोटैटो को एग्जांपल ले लो बच्चों, कहा पोटैटो एक महीना पहले 7 रुपए किलो थे, फिर 50 रुपए किलो तक पोटैटो थे, जैसा मार्केट में नया पोटैटो आ गया सीधा प्राइस 20 रुपए पे आ गई। फिर इसका मतलब है क्या सबने 50-50 किलो पोटैटो घर में स्टोर करके रख दिया, खराब होता है यार, तो लेकिन उसकी डिमांड फिर उतनी नहीं बढ़ी। यानी अब आप बोलोगे सर नहीं समझा, फिर से समझा, पोटैटो क्या रेट था 50 रुपीज, ठीक है, क्या रेट हो गया पकड़ के चलो 25 हुआ, कितना हुआ 25, जबकि 20 रुपए पर 25 पकड़ते, कितना परसेंटेज से कम हुआ 50% रेट कम हुआ। 50% बोले तो 50 रुपए में आप पहले 1 किलो पोटैटो लेते थे, अब कितना परसेंट आ गया प्राइस 50 पैसे आ गया 25, यानी 50% परसेंटेज वाइज देखे तो परसेंटेज वाइज 50% रेट कम हो गए, फिर आपकी डिमांड भी 50% से बढ़ना चाहिए थी ना, तो आप 1 किलो की जगह कितना लेना चाहिए था 1.5 किलो, 1.5 kg आपने परचेस करना चाहिए था, बट आपने फिर भी कितना लिया 1 ही किलो। फिर इसका मतलब या फिर हो सकता है आपने 2 किलो ले लिया, या हो सकता है आधा किलो लिया, तो इसका मतलब होता है जितने परसेंटेज में प्राइस चाहे बढ़ती हो या कम होती हो सेम परसेंटेज में कभी भी डिमांड नहीं चलती, कभी कभी चल सकती कभी नहीं चलती है, तो उसी को उन्होंने बताया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे इट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सम टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर एज अंडर। अब उन्होंने बताया भैया इसके कुछ प्रकार होते हैं, वो प्रकार कौन से है, पहला दिया परफेक्टली इंफिनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या दिया है परफेक्टली, एक तो एकदम परफेक्ट या इन्फिनिट इलास्टिक डिमांड। अब ये क्या होता है, व्हेन द डिमांड इंक्रीज टू मच और डिक्रीज टू मच, वो बोलता है डिमांड एक तो एकदम बढ़ती है या एकदम कम होती है, बट देयर इज अ नो चेंज इन अ प्राइस और अ वेरी लिटिल चेंज इन अ प्राइस, वो बोलता है प्राइस में बदलाव होता ही नहीं या होता तो एकदम थोड़ा सा होता है, इट इज कॉल्ड अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। उसको क्या बोला जाता है बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। द डिमांड कर्व इज अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस शोन इन द डायग्राम, और जो डिमांड कर्व होता है वो पैरेलल होता है। अब इसमें क्या है डायग्राम में बता दो आपको, देखो
आपको स्क्रीन पे डायग्राम तो दिख रही है। देखो एज्यूम ये देखो तो डायग्राम बड़ी कर दिया। अब आई होप आपको डायग्राम अच्छे से दिख रही है सबको डायग्राम। देखो डायग्राम दिख रही क्या? चलो ठीक है दिख रही है बोल रहे हैं, वेरी गुड। अब डायग्राम में क्या दिया वही एक्सप्लेनेशन है यार, हमारे हिसाब से लिखना है ठीक है। ओ वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस एंड ओ एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कितनी है एज्यूम करके चलो प्राइस 20 रुपये। प्राइस कितनी दिख रही है आपको 20 रुपये। प्राइस कितनी दिख रही है 20 रुपये, 20 रुपीज प्राइस है। डिमांड कितनी है हमारी, डिमांड है 40। डिमांड कितनी है 40, प्राइस हो गई 20, डिमांड कितनी हो गई 60। प्राइस है 20, डिमांड कितनी है 80। क्या समझ में आ रहा है यहां पे? देर इज नो चेंज इन द प्राइस बट ऑल्सो देर इज अ चेंज इन द डिमांड, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिट और अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जहां पे जो डिमांड कर रहे बच्चों, ये जो डीडी दिख रहा है आपको, डिमांड कर कैसा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसा ये एक्स एक्सिस दिख रहा है नीचे दिखा गया ये वाला एक्स एक्सिस, ये जैसा है उसको पैरेलल यानी समांतर है। और अगर थोड़ी सी प्राइस चेंज होती है एज्यूम करो 19 रुपये होगी, प्राइस कितनी होगी यहां पे 19 रुपये। प्राइस 19 रुपये ही, एक्चुअल डिमांड थी हमारी 40, तो उसने कितना लेना चाहिए था 45 लेना चाहिए था, बट वो डिमांड कितनी कर रहा है इतनी कर रहा है 60, 80, 70। समझा क्या? इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन अ प्राइस, प्राइस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है बच्चों, प्राइस में कोई बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी डिमांड कम ज्यादा अगर होती है तो देयर इज अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यानी भैया पूरी तरह से जो डिमांड है वो लौचिक है, क्योंकि प्राइस भले आपकी सेम हो हमारी जो डिमांड है वो कम ज्यादा होती रहती है, प्राइस में भले कोई भी चेंजेस नहीं आए या थोड़ी से चेंजेस आए तो उसको बोलेगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। समझा क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब भैया इन इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमने क्या देखा कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमने देखा कि जो डीडी वन डिमांड कर है वो कैसा था, पैरेलल था किसको, पैरेलल था एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा था, क्वांटिटी डिमांड, यानी क्वांटिटी डिमांड को पैरेलल था, इस तरह से था बरोबर है ये शो हो रहा था। अब इसका टोटल अपोजिट बोले तो देखो परफेक्टली इनइलास्टिक बोला, वहां पे इलास्टिक था, इलास्टिक यानी लौचिक कम ज्यादा, यहाँ पे इनइलास्टिक बोले तो कॉन्स्टेंट विच इज नॉट फ्लेक्सिबल। अब देखो उन्होंने क्या दिया, पॉइंटर कहाँ चले गया मेरा, ये रहा। व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट चेंज, उन्होंने बताया जब हमारी जो डिमांड होती है वो चेंज नहीं होती, देर इज अ सफिशियंट चेंज इन द प्राइस, हम जितना सोचते वो हिसाब से प्राइस में बदलाव हो रहा, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, डिमांड कर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। डिमांड कर किसको पैरेलल रहेगा यहाँ पे, वाई एक्सिस को। इसके पहले डिमांड कर किसको पैरेलल था, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस बोले तो ऐसे स्लोप डाउन था, अब यहाँ पे कैसा है स्ट्रेट है, दोनों में ये फर्क है। समझा क्या? तो देखो वहां पर डायग्राम क्या देखेंगे, यहाँ पे सिंपल वही दे हुआ है बच्चों, क्या दे हुआ है एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा, पॉइंटर का चल गया यार, ओएक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा, ओवाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा प्राइस, और ओएक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो डिमांड जो है हमारी डिमांड, अब यहाँ पे हम डिमांड लिखते थे, प्राइस लिखा था, डिमांड पकड़ के चलो 30 रुपीज दिख रहा आपको, डिमांड कितनी हमारी 30 रुपीज है। अब ये डिमांड कब थी, जब ये हमारी एक्चुअल प्राइस है, कौन सी प्राइस है, एक्चुअल प्राइस पकड़ के चलो 30, ये भी 30 थी बच्चों, एक्चुअल प्राइस भी 30 है और वो टाइम पे हमारी डिमांड भी कितनी है 30 ही, इज दैट क्लियर। लेकिन अब एक्चुअल प्राइस क्या होगी, कम होगी, कितने पे आ गई 20 रुपए,
फिर भी हमारी डिमांड कितनी है बच्चों, 30। अब प्राइस बढ़ गई 30 से हो गई 40, तो भी हमारी डिमांड कितनी है बच्चों, 30। प्राइस हो गई 50, फिर भी बच्चों हमारी डिमांड कितनी है, 30। क्या समझ में आया? प्राइस कम हो प्राइस ज्यादा हो कोई लेना देना नहीं, डिमांड 30 है 30 ही रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो DD1 इज द डिमांड कर्व, यहाँ पे दिखाया नहीं है डायग्राम में, आप दिखा दो, ये DD1, ये DD1, ये जो कर्व निकला यहां से यहाँ पे, ये किसको पैरेलल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट है, इसलिए वो स्ट्रेट। नहीं तो हमने देखा डिमांड का कैसा आता है, स्लोप डाउन वर्ड होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, विच इज सो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बट ये इनवर्स रिलेशनशिप बता ही नहीं रहा, ये कांस्टेंट रिलेशनशिप बता रहा कि भैया डिमांड सेम, प्राइस आप कितनी भी कम ज्यादा कर लो डिमांड हमारी वही रहेगी, समझा? तो उसी को उन्होंने क्या बताया, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, उसी को उन्होंने बताया परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। दिखा क्या सबको, दिख रहा है क्या? चलो फिर अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नंबर का। ये क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी, यूनिटरी यानी यूनिट, यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी बोले तो एकता, एकता बोले तो एक जैसा, इलास्टिक बोले तो लौचिक, यानी जितने पैमाने में उसमें चेंज उतने पैमाने पर इसमें चेंज। क्या बोलता है, वेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल, इज इक्वल, इज इक्वल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, उन्होंने क्या बताया, इज इक्वल परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। उन्होंने बताया जितने परसेंटेज में अगर प्राइस में चेंज होता है तो सेम परसेंटेज में डिमांड में अगर चेंज होता होगा तो उसको बोलेगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज बाय 20% एंड इट्स डिमांड ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%, देखो ये 20 और ये 20, ये सेम परसेंटेज इंडिकेट कर रहा है, दिखा क्या? तो ये जो 20-20 है दोनों भी सेम परसेंटेज इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जितने परसेंटेज में प्राइस में बदलाव हो रहा है सेम परसेंटेज में डिमांड में चेंज हो रहा है। अगर 20% से प्राइस बढ़ रही डिमांड 20% से कम होगी, 20% से प्राइस कम हो रही 20% से ही डिमांड बढ़ेगी, तो दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। वी कैन से दैट द डिमांड फॉर सच कमोडिटीज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब भैया ये क्या है देखो, तो डायग्राम देखेंगे हम, डायग्राम में वही हमारा क्या, ओ वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस, ओके, और ओ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। अब यहां पे हमारी एक्चुअल जो प्राइस है बच्चों ये है जो हम पकड़ के चलते 30 रुपीज, और वो टाइम पे हमारी जो डिमांड है वो कितनी है बच्चों, ये हमारी डिमांड है 30। इज दैट क्लियर? तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही शायद मेरे से इसमें, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो रही, दो मिनट काम किया इरेजर, चलो तो ये बच्चों हमारी ओरिजिनल 30 रुपीज पे जो प्राइस है 30 रुपीज, तो 30 रुपीज पे हमने जो क्वांटिटी डिमांडेड की वो कितनी की, 30। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, देखो गड़बड़ नहीं थी वही राइट था, देखो 30 रुपये प्राइस पे हमने क्वांटिटी कितनी परचेज की, 30। अब जब 30 रुपये प्राइस थी, यहाँ पे एज्यूम करते 20% से रेट बढ़ गए, कितने परसेंट से रेट बढ़ गए, 20%, यानी 30 रुपये प्राइस के 20% अगर देखी जाए तो यहाँ पे 36 रुपीज प्राइस होगी, कितनी प्राइस होगी बच्चों, 36 रुपीज। फिर क्वांटिटी भी कितने परसेंट से बढ़ गए, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ, ये देखो मैं यहाँ पे एरो से दिखा रहा हूँ आपको, प्राइस इंक्रीज हुई, प्राइस बढ़ गई 30 रुपये में से, प्राइस कितनी होगी 36, यानी 20% प्राइस बढ़ गई। तो फिर डिमांड कितनी कम होना चाहिए, एकदम से कम होना चाहिए, लेकिन डिमांड भी कितने परसेंट से कम हुई, 20%, जो डिमांड है वो भी कितनी हो गई, अब यहाँ पे डिमांड होगी 24, यानी डिमांड भी इधर आई, इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, देखने वाली चीज़ है परसेंटेज, 20% से अगर प्राइस बढ़ती है तो 20% से ही बच्चों डिमांड कम होती है। अगर थोड़ा इसको उल्टा कर दो, 36 पे से प्राइस आ गई 30, ओके,
तो जो डिमांड थी वो भी हमारी कहाँ पे चल जाएंगी, 24 पैसे 30। इसका मतलब है अगर इसको परसेंटेज वाइज देखते हैं 20% से अगर डिमांड प्राइस कम होती है तो सेम 20% से डिमांड बढ़ेगी। ऑन द अदर हैंड 20% से अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी 20% से कम होगी। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। दोनों में यूनिटी के जैसा, दोनों में इतनी इक्वेलिटी रहेंगी, एकता रहेंगी, यूनिटी रहेंगी कि जितने परसेंटेज में प्राइस कम ज्यादा हो रही सेम परसेंटेज में डिमांड भी कम ज्यादा हो, और उसी को बोलेगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। समझा क्या? यस और नो? अब बाद में दिया उन्होंने रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है देखो, when the proportionate change in a demand of a commodity is greater than proportionate change in a price, it is called a highly elastic demand. यानी relatively elastic demand भी बोले जाता है या फिर highly elastic demand भी बच्चों इसको बोले जाता है। इसके दो नाम से पहचाना जाता है, relatively elastic demand या फिर highly elastic demand। अब ये कैसे? उन्होंने बताया अगर थोड़ा सा price में change होता है तो उसका effect demand पे large होता है। There is a little change in a price, but there is a लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, दैट इज कॉल अ हाईली इलास्टिक डिमांड। अब वो कैसे देखो, वो हमारा एज इट इज जो लेंगे हम डायग्राम, यहां पे वही हमारा ओ एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस एंड ओ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड। अब एज्यूम करो बच्चों प्राइस जो थी वो थी 40 रुपीज। कितनी थी प्राइस? ये टीपी, ये जो टीपी दिख रहा ना आपको, ये प्राइस है 40 रुपए। अब टी से लेके प्राइस हो गई यस, यानी ये हो गई बच्चों प्राइस हो गई 35 रुपए। कितने रुपए से बच्चों प्राइस कम हुई? 5 रुपए से प्राइस कम हुई। तो फिर डिमांड भी कितने क्वांटिटी होना चाहिए था? एज्यूम करो यहाँ पे जो क्वांटिटी है यार, वो हम क्वांटिटी लेते हैं 35 रुपए 35 क्वांटिटी, है ना, 35 किलो, 1 रुपए किलो इतनी होना चाहिए थी, बरोबर है ना। लेकिन डिमांड कितनी होगी बच्चों? सीधा सीधा यहाँ पे आ गई एल पे, इसका मतलब यहाँ पे होगी 45। नहीं समझा? इसका मतलब है अगर 5 रुपए से प्राइस अगर कम हुई तो 5 किलो से क्वांटिटी बढ़ना चाहिए थी, बट सीधा 10 किलो बढ़ गई। अब परसेंटेज वाइज देखे जाए तो इसको थोड़ा सा मैं परसेंटेज का सिंबल देता हूँ। 5% बच्चों अगर प्राइस कम होती है तो 10 या 15% से पकड़ के चलो अगर इसकी क्या हो रही है डिमांड बढ़ रही है तो इसको बोले जाएगा हाईली इलास्टिक डिमांड। There is a little change in a price, but there is a large change in a demand. फिर दोनों टाइप में हो सकती है, little change, एक तो fall हुआ थोड़ा सा price, तो एकदम से demand बढ़ गई, या फिर थोड़ी सी कीमत बढ़ गई तो एकदम से demand कम हो गई। दोनों टाइप में ये हो सकता, तो उसको बोले जाता है highly elastic demand, जिसको relatively elastic demand भी बोल सकते हैं। Next point देखो, relatively inelastic, यानी highly inelastic demand। अब highly inelastic demand थोड़ा opposite है, देखो क्या दिया हुआ है। When the proportionate change in a demand is less than the proportionate change in a price, यानी प्राइस में जितना बदलाव होता है उससे कम डिमांड में बदल होता है। प्राइस में जितना भी बदल होता होगा उससे कम में डिमांड में बदल होता है, तो दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक डिमांड, या फिर उसको रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड भी बोला जाता। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज बाय 20%, वो बोलता है प्राइस जो है कमोडिटी को कितने से कम हो गई। If the price of the commodity decreases by 20%, but its demand increases by 5 to 10% only, so it is called inelastic demand. देखो यहाँ पे, ये पकड़ के चलते हैं हम, OY axis represent price and OQ axis represent quantity demand. देखो यहाँ पे डायग्राम देखते हैं बच्चों, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो प्राइस है ये 20% से कम हुआ है। कितने परसेंट से कम हुआ है प्राइस? 20%। ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, 20% से क्या हो गया बच्चों? प्राइस कम हो गया, प्राइस नीचे आई है ना, प्राइस क्या हो गया? नीचे आ गई। कितने परसेंट से? 20%। फिर डिमांड तो 20% या 20% से अबव जाना चाहिए था, पर वो डिमांड कितने परसेंट बढ़ी? सिर्फ 5%। डिमांड कितने परसेंट बढ़ी? सिर्फ 5% डिमांड बढ़ी। दिखाओ, इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि जितना हम सोच रहे थे उससे ज्यादा प्राइस नीचे गिर गई, लेकिन फिर भी जितना क्वांटिटी डिमांड हमने करना चाहिए था उतना में करके थोड़ा सा हमने बढ़ाया, तो उसको बोले गया है यहाँ पे इनइलास्टिक डिमांड। यानी हम जितना सोच रहे थे वो हिसाब से भी प्राइस आने के बावजूद भी हम डिमांड नहीं बढ़ा रहे, तो उसको बोले जाता है बच्चों
इनइलास्टिक डिमांड, समझा क्या? तो ये थे आपका जो हमने टाइप्स देखे बच्चों आज, आज हमने क्या देखा फिर, आज हमने सब में पहले देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, उसके बाद में फिर हमने देखा बच्चों टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, जिसमें थ्री टाइप्स थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। फिर प्राइस इलास्टिसिटी के कुछ कॉइन्स देखे, जिसमें पहला था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या इन्फिनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें DD1 डिमांड कर्व जो होता है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल होता है और इसके प्राइस में कुछ भी बदल नहीं होते बट डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। सेकंड हमने देखा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसके प्राइसेस में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं बट डिमांड कांस्टेंट होती है, इसलिए इसको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोला जाता है। बाद में थर्ड देखा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी पे ही आपको समझ में आता दोनों में यूनिटी होती है, जितने परसेंट से प्राइस कम उतने परसेंट से डिमांड ज्यादा, जितने परसेंट से प्राइस राइज उतने परसेंट से डिमांड कम। बाद में थर्ड हमने देखा रिलेटिवली हाई इलास्टिक डिमांड, अगर 5% से प्राइस बढ़ती होंगी या कम होती होंगी बट उससे ज्यादा परसेंटेज में डिमांड में चेंजेस आते होंगे तो उसको बोले गया रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। थर्ड हमने देखा इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड किसे कहा जाता, वेयर देयर इज अ लार्ज चेंज इन अ प्राइस बट देयर इज अ लिटिल चेंज और नो चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक डिमांड। जैसा 20% से प्राइस कम हो गई बट 5% से क्या हुई डिमांड इंक्रीज हुई तो उसको हमने बोला इनइलास्टिक डिमांड। तो बच्चों यहाँ पे आज हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, उसके कारण्स देखे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा और उसके भी कारण्स देखे। बाकी जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एनी टू मेथड्स टू मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।